पीएम मोदी नेपाल के पीएम देवउबा ने सीमा पार ट्रेन सेवाओं रुपे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने 2 अप्रैल 2022 को संयुक्त रूप से नेपाल की सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर सिग्नेचर किया है। नेताओं ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल पर बैठक की। भारत और नेपाल के बीच रेलवे और ऊर्जा के क्षेत्र में 4 दस्तावेजों और समझौता ज्ञापनों का सिग्नेचर किया गया और उनका आदान प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्कडी ने आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2022 को शतरंज ओलंपियस 2022 के आयोजन के लिए भारत को मेजबानी के लिए अधिकार सौंपा है। 2022 में भारत ने चेन्नई फेरी शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए बोली हासिल की है। फेरी शतरंज ओलंपियाड 2022 28 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक चेन्नई में होगा। कर्नाटक सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को नंदिनी छीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है। यह उनका अपना बैंक स्थापित करने का एक विशेष कार्यक्रम है जो उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान किए और दूध संघ बैंक की पूंजी के अपने हिस्से के रूप में 260 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। फीफा ने इस साल के फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक सुबकर के रूप में लाइव का अनावरण किया है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अति कुशल खिलाड़ी। यह टूर्नामेंट 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होगा। लाइव और उनकी युवा भावनाओं के लिए जाना जाएगा। हर जगह खुशी और विश्वास फैलाना है। लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल ने 1 अप्रैल को सेना परीक्षक कमान ARITRAC शिमला का पदभार ग्रहण किया है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने 1 मई 2020 को ARTRAC प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें बल के परीक्षण पहलुओं को देखने का प्रभार दिया गया है। सेना परीक्षण कमान ARTRAC 1 अक्टूबर 1991 को मध्य प्रदेश के महू के अस्तित्व में आई है। बाद में इसे 31 मार्च 1993 में शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियमित ढांचा प्रदान करना और अंटार्कटिक परिस्थितियों को तंत्र की रक्षा करना है। अंटार्कटिका में 40 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं जिनमें से 2 मैत्री और भारती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 1 अप्रैल 2022 को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया क्योंकि उन्होंने तुर्कमेनिस्तान की अपनी 3 दिवसीय राज्य की यात्रा शुरू की है। उन्होंने अपने तुर्कमेन समकक्ष सरदार बद्री बुहामिदोन से मुलाकात की और संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की है। यह भारत के राष्ट्रपति के स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है। भारतीय वायुसेना IAF की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने 1 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में एक उड़ान प्रदर्शन किया है। सूर्य किरण की एरोबैटिक टीम, जिसे भारतीय वायुसेना के राजदूत के रूप में जाना जाता है, को दुनिया में 9 विमान बनाने वाले एरोबैटिक टीम में से एक होने का गौरव प्राप्त है। वे हाक MK-132 विमान उड़ाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित लाइसेंस है। संकल्प तरु फाउंडेशन ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय NGO बना है। संकल्प तरु फाउंडेशन 1 अप्रैल 2022 को ब्लैक चेन लॉन्च करने वाला पहला पर्यावरण संरक्षण अंतरिक्ष में पहला भारतीय NGO बन गया है। यह अपने दाताओं के विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है और उन्हें सूचना का सत्यापन की जांच करने के लिए एक अतिरिक्त हैंडल प्रदान करता है। संकल्प तरु पूरे भारत में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृक्षारोपण गतिविधियों पर काम करने वाली सबसे बड़ी भारतीय गैर लाभकारी संस्था में से एक है। पोखरा, भारतीय सेना ने किया हवाई अभ्यास। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा हवाई अभ्यास किया गया है। पश्चिमी मोर्चे पर रैपिड रिस्पांस क्षमताओं को मान्य करने के लिए पोखर में परीक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में गाइडेड प्रिसिजन एरियल डिवीजन सिस्टम GPADS के साथ कम्बैट फ्ली फॉल जंप शामिल हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।